तो आज हम बात करेंगे मार्वल के 5 ऐसे वेपन्स की जिन्हें उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये वेपन्स हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि तूफान के देवता के लिए बनाए गए हैं। नंबर 5 पे है मैग्नियोर थॉर्स मैजिकल बेल्ट, जिसे बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये बेल्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि और इसे पहनकर एक साथ कई प्लैनेट्स तक को मूव कर सकता है। नंबर 4 म्यूलनियर। मार्वल कॉमिक्स में म्यूलनियर एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे थॉर ने गैलेक्टस, थानोस और सेलेस्टियल जैसे पावरफुल एंटिटीज का सामना किया है। बात करें म्यूलनियर की पावर्स की, तो इससे थॉर फ्लाई कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और लाइटनिंग अटैक कर सकता है। लेकिन जो चीज म्यूलनियर को सबसे खास बनाती है वो है ओडिन का एन्चेंटमेंट। नंबर 3 ओडिन स्वॉर्ड। ओडिन स्वॉर्ड ओडिन के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है और मार्वल कॉमिक्स में कहा जाता है कि जिस किसी के हाथों में ये होगी उसके पास पूरे मैनकाइंड को खत्म करने की ताकत होगी। नंबर 2 पे है स्टॉर्म ब्रेकर। एमसीयू की बात करें तो स्टॉर्म ब्रेकर अभी तक का सबसे पावरफुल एस्गार्डियन वेपन है जिसे सिर्फ एस्गार्ड के किंग ही समन कर सकते हैं। इसे अपना थॉर उड़ सकता है, बायफ्रॉस्ट खोल सकता है और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होल्ड किए थानोस को ओवरपावर कर चुका है। नंबर 1 पे है नेक्रोसॉर्ड। नेक्रोसॉर्ड गॉड के साथ साथ थॉर के पास भी रह चुके हैं। गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन के थॉर गॉड से नेक्रोसॉर्ड को छीन लेता है।